नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। यूपी में तीन तलाक का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के बरदा थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पति ने कुवैत से पत्नी को व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजकर तीन तलाक दे दिया। अब पत्नी न्याय की गुहार लगाने के लिए एसपी देवदरबार पहुंची। आपको बता दें कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के बीबीगंज गांव निवासी निशार अहमद की पुत्री सायना परवीन की शादी वर्ष 2019 में बरदा थाना क्षेत्र के बरौना गांव निवासी मोहम्मद सलमान के साथ हुई थी। एसपी कार्यालय पहुंचे सायना परवीन ने बताया कि शादी के तीन बार बार पता चला कि उसका पति किसी और से शादी किया हुआ है। उसके बाद बार बार उसे छोड़ने की बात करने लगा। इसी बीच उसे बच्चा हुआ जो 1.5 साल का है। बीते 27 जुलाई को उसका पति मोहम्मद सलमान जो कुवैत में रहता है उसने व्हाट्सएप पर ऑडियो भेजकर तीन तलाक दे दिया। तलाक की खबर सुनते ही वह सन्न रह गई। इतना ही नहीं, ससुराल वाले उसे फांसी लगाने की कोशिश किए। किसी तरह से उसे मायके वालों को जानकारी हुई तो उसे मायके लेकर दीदारगंज पहुँच गए और थाने पर चले गए। पीड़िता सायना ने एसपी न्यायालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, उसके साथ इंसाफ हो। वो अपने 1.5 साल के बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी। वही इस मामले में एसपी सिटी सहनलाल ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आया है। पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपके पति ने आपको तीन तलाक दिया है, कैसे दिया है और क्या वजह थी? कुछ वजह नहीं थी, बस रिकॉर्डिंग भेज के उस पर तलाक दिए थे तीन मरतबा कि मैं तुम्हें नहीं रखूँ। तलाक 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 कैसे? व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे। अच्छा, तो क्या वजह थी? कोई वजह नहीं थी, बस वही कुछ नहीं बात हुई थी, बस ऐसे ही। सुनने में आ रहा है कि शादी भी हो चुकी थी? हाँ, शादी हो गई है। पूरी बात बताइए। शादी हुई थी उनकी पहले से, उसके बाद हमसे शादी किए, उसके बाद बस यही कुछ नहीं है। बस वहाँ पर रहते थे तो उन लोग वहाँ से भगा दिए हमें, यहाँ पे घर पे फांसी उसी लगवाए थे जबरदस्ती, तब उसके बाद यहाँ पर ला के घर हमारे पहुँचा दिए। हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारी अम्मी हम थे। उसके बाद कह रहे हैं हम नहीं रखेंगे, उसके 3 महीने बाद तलाक दी। उन कोई वजह नहीं थी। पहले शादी थी, आपको कब पता चला? बस अभी जल्दी 3 महीना पहले। तो फिर आपने इसका विरोध किया? हाँ, उसी लिए तलाक दी है। अच्छा। नहीं तो तभी शुरू से कहते थे कि हम नहीं रखेंगे, बस हम एक अपनी ही मर्जी से रहने थे और कुछ नहीं। मतलब आपको जब ये पता चला कि उनकी दूसरी शादी हुई तब वो तलाक दे दी? हाँ। अच्छा, तो आप वो नहीं रखना चाह रहे? नहीं, कह रहे कुछ भी हो जाएगा हम नहीं रखेंगे। तो आज आप एसपी साहब के यहाँ आई हैं, क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है। जो भी जैसे हर एक लड़की चाहती है कि इंसाफ मिले और कुछ नहीं। ये एक तहरीर प्राप्त हुई है, कंप्लेंट महिला यहाँ पर आई थी जिसने ये कंप्लेंट करी कि मेरे को कुवैत से तीन तलाक दे दिया और मेरे 1.5 साल का बच्चा है। तो इस प्रकरण में थाना दीदारगंज को निर्देश दिया गया है कि इमीडिएटली इसमें मुकदमा पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई करें। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।